स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, क्या एक बार फिर सलमान खान अपने निर्माता दोस्त सतीश कौशिक के साथ मिलकर कुछ बड़ा और धमाकेदार लाने वाले हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, खत्म हुआ हम सबका इंतजार। जिस अल्टीमेट सीक्वल का हम सबको इंतजार था, वो जल्दी बड़े पर्दे पर आने वाली है और हम बात कर रहे हैं तेरे नाम दो की। तो राधे के स्टाइल को कोई कैसे ही भूल सकता है, उसकी मासूम मोहब्बत और निर्जरा का बोलापन सबको आज भी याद है। सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित तेरे नाम 2003 में आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिल्म के रिलीज के बाद ना जाने कितने ही लोगों ने तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल रखना शुरू कर दिया था, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिसने वो हेयर स्टाइल जरूर रखा होगा। सलमान की फैन फॉलोइंग फिल्म के बाद आसमान छूने लगी थी। स्टोरी कास्ट और गाने सबको इतने पसंद आए थे कि आज तक लोग उसे नहीं भूलते हैं। तो क्या एक बार फिर हमको सलमान खान एक नई अवतार में दिखेंगे? और क्या होगी इस बार फिल्म की कहानी? कौन सी हीरोइन के साथ सलमान खान इस बार रोमांस करते हुए नजर आएंगे? जानिए हमारे साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तेरे नाम दो के बारे में, और जल्दी से हमारे नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि सिर्फ यहाँ ही आपको मिलेंगी सबसे पहले और नई बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें। 2003 में आई थी तेरे नाम लोगों को इतनी पसंद आई थी कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम राधा और निर्जरा रखना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, हर सैलून में तेरे नाम के हेयर स्टाइल वाले पोस्टर लगने शुरू हो गए थे। फिल्म में सलमान के दबंग अंदाज को भी काफी सराहा गया था। तो इस बार निर्माता कौन से नए ट्विस्ट के साथ फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने वाले हैं? फिल्म की कहानी राधे मोहन के जीवन पर आधारित है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट और गुंडा था, जिसको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाया करता था। लेकिन निर्जरा, जो कि भूमि चावला ने रोल किया था और जिनकी ये डेब्यू मूवी भी थी, उनके मिलने के बाद उनके साथ प्यार कर बैठते हैं। निर्जरा लेकिन बाद में संसार त्याग देती हैं और उसकी मौत के गम में राधे आश्रम में जिंदगी भर अपना जीवन बिताता है। निर्माता सतीश कौशिक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़ी खुशी से फिल्म के सीक्वल का ऐलान किया है। फिल्म में सलमान खान ही मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे, लेकिन उनका क्या रोल होगा ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तेरे नाम एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं, बल्कि 1999 में आई तमिल फिल्म सेतु का हिंदी डब थी, लेकिन इसका सीक्वल बिल्कुल एक नई कहानी होने वाला है। फिल्म पहले ही एक तरह लव स्टोरी होगी और इससे पहली मूवी से कुछ रिलेटेड नहीं होने वाला। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए सलमान के किरदार का नाम राधे ही रखा जा सकता है। निर्माता सतीश कौशिक और सलमान के आपस में काफी अच्छे संबंध है और दोनों ने फिल्म भारत में साथ काम भी किया था। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि तेरे नाम के बाद वो सलमान खान के साथ काम नहीं कर पाए, लेकिन जल्द ही फिल्म की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह हो सकती है कि सलमान इसमें नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर का रोल प्ले करेंगे। इसमें बहुत ही सारे ट्विस्ट होंगे और भरपूर एक्शन भी होगा, और वो तो हमें पता ही है कि सलमान खान की मूवी में कितना होता है। लेकिन कब आएगी ये फिल्म सिनेमा घरों में, इसका खुलासा तो अभी तक दोस्तों नहीं हुआ है। निर्माता सतीश कौशिक अभी अपनी आने वाली फिल्म कागज पे काम कर रहे हैं, जिसमें मिर्जापुर फेम पंकज त्रिपाठी मेन लीड में होंगे। इस फिल्म के पूरे होने के बाद ही कौशिक तेरे नाम दो की शूटिंग शुरू करेंगे। तो फिल्म की इस साल के आखिर तक आने या अगले साल के तक रिलीज होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल सलमान खान भी अपनी आने वाली फिल्म राधे की तैयारी में व्यस्त हैं। निर्माता सतीश कौशिक खुद बतौर एक्टर के रूप काफी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग और एक्टिंग से लोग आज भी कायल हैं। ये वे निर्माता हैं जिनको अपने स्टार प्लस के कॉमेडी धारावाहिक सुमित संभाल लेगा में सुमित के डैडी जी के रोल में भी पसंद किया गया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है और रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी सफल फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। इन्होंने फिल्म जैसे बड़े मियां छोटे मियां और गोविंदा के साथ साजन चले ससुराल में मुत्तु स्वामी का कॉमिक रोल भी अदा किया था। लेकिन फिल्म में सलमान के अपोजिट कौन सी हीरोइन होगी? फिल्म में सलमान खान के साथ गेस करेंगे आप?
जी हाँ, कैटरीना कैफ हो सकती हैं, जो कि एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देंगी। स्टोरी शायद कुछ इस तरह हो सकती है कि सलमान, जो कि एक गैंगस्टर है, अपने दुश्मनों से लड़ते हुए घायल हो जाते हैं और तभी उनकी मुलाकात उनको ठीक करने वाली डॉक्टर, जो कि कैटरीना कैफ है, उनसे होती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। ये भी हो सकता है सलमान अपनी याददाश्त खो चुके हैं और नेगेटिव से एक पॉजिटिव रोल में आना चाहते हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कैसे सलमान एक गैंगस्टर से एक सीधे साधे आदमी के रोल में ढलते हैं और कैसे इनका प्यार कैटरीना कैफ के साथ फिल्म में परवान चढ़ता है। कैटरीना को फिल्म में लेने का आइडिया भी सलमान खान का दिया हो सकता है और इस बात में कोई दोहराए नहीं है। आखिरकार सतीश कौशिक ने अपनी आखिरी मूवी भारत में सलमान खान और कैटरीना दोनों के साथ तो काम किया ही था। कैटरीना की आपकी आने वाली फिल्मों में एक सूर्यवंशी भी है, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर स्क्रीन पर दिखने वाली हैं। कैटरीना एक बार फिर एक्शन करती हुई नजर आएंगी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी हमेशा स्क्रीन पर ब्लॉकबस्टर रही है, चाहे वो नमस्ते लंदन हो या फिर वेलकम। तेरे नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और मशहूर भी हुए थे। गाने हिमेश रेशमिया ने गाए थे, जो कि काफी पसंद किए गए थे। इस बार भी लगता है सलमान एक नए अंदाज में हम सबके सामने आने वाले हैं और हमें फिर से चौंकाने के लिए एकदम तैयार हैं। ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि स्टोरी लाइन क्या होती है और कैसे दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि सलमान खान राधे के कैरेक्टर को जिंदा रख पाएंगे। क्या फिर से हम अपने घर में बैठकर सलमान के लिए दुआ करेंगे कि इस बार अपना सच्चा प्यार उनको मिल जाए। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।